फाइनली वीवो ने अपना एक और नया स्मार्टफोन वीवो T3 5G को लॉन्च कर दिया। वही दूसरी तरफ मोटोरोला कंपनी का पॉपुलर स्मार्टफोन मोटो G54 5G, वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस में 6000 पीस का डिफरेंस देखने को मिल जाता है, क्योंकि एक तरफ मोटो G54 5G को सिर्फ 13,999 रुपए की प्राइस में 8GB की रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरियंट को बाई कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ वीवो के T3 5G को कंपनी ने 19,999 रुपए की प्राइस में 8GB की रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को लॉन्च किया है। दोनों स्मार्टफोन का अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि एक स्मार्टफोन के लिए उसका प्रोसेसर काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिस तरह इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस में डिफरेंस देखने को मिल जाता है, उसी तरह इन दोनों स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस और गेमिंग परफॉर्मेंस में भी डिफरेंस देखने को मिल जाता है। क्योंकि एक तरफ मोटो G54 5G में मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7020 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, वहीं दूसरी तरफ वीवो के T3 5G में मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7200 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। अगर परफॉर्मेंस वाइज बात करी जाए तो इन दोनों स्मार्टफोन में से आप लोगों को वीवो के T3 5G में काफी ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। वही इन दोनों स्मार्टफोन का अगर अंतुतु स्कोर की बात करी जाए तो एक तरफ मोटो G54 5G का जो अंतुतु स्कोर निकल के आता है 4,73,000 निकल के आता है, वही दूसरी तरफ वीवो के T3 5G का जो अंतुतु स्कोर निकल के आता है वो 7,23,000 निकल के आता है। अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खासकर गेमिंग के लिए लेने के लिए सोच रहे हो तो इन दोनों स्मार्टफोन के GFX स्कोर यानी गेमिंग स्कोर को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब इन दोनों स्मार्टफोन में 30 मिनट तक गेम को प्ले किया गया तो एक तरफ मोटो G54 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो 3,500 निकल के आता है, वही दूसरी तरफ वीवो के T3 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है 5,100 निकल के आता है। तो एक बात तो क्लियर होगी, अगर आप लोग 15,000 रुपीज से कम के प्राइस में एक अच्छा गेमिंग स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो तो आप लोगों को मोटो G54 5G की तरफ जाना चाहिए, पर अगर आप लोग 20,000 रुपीज से कम के प्राइस में वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो तो वीवो का T3 5G अपने प्राइस में बेस्ट है। दोनों स्मार्टफोन का अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए तो डिस्प्ले की क्वालिटी तो काफी जरा बेटर आप लोगों को वीवो के T3 5G में देखने को मिल जाती है। 6.67 इंच की फुल HD प्लस 5 इंच वाली AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए या फिर गेमिंग के अच्छे एक्सपीरियंस के लिए डिस्प्ले में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले में HDR10 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ मोटो G54 5G में 6.5 इंच की फुल HD प्लस 5 इंच वाली IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, पर डिस्प्ले में HDR10 का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। स्मार्टफोन का अगर कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए तो अपने अपने प्राइस में इन दोनों स्मार्टफोन में काफी अच्छा एक्सीलेंट OIS वाला कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। एक तरफ वीवो के T3 5G के बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50 मेगापिक्सल का सोनी का IMX882 का सेंसर देखने को मिल जाता है, जिसका अपर्चर F1.79 अपर्चर देखने को मिल जाता है। बाकी का दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ, और आप लोगों को एक फ्लिकर सेंसर भी देखने को मिल जाता है, और कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और फोन के बैक कैमरे से 4K वीडियो भी आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ मोटो G54 5G के बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, जिसका अपर्चर F1.8 अपर्चर देखने को मिल जाता है। बाकी का दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ, और कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, पर फोन के बैक कैमरे से आप लोग सिर्फ फुल HD वीडियो ही आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं, 4K वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। दोनों स्मार्टफोन का अगर सेल्फी कैमरे की बात करी जाए तो एक तरफ मोटो G54 5G में भी 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसका अपर्चर F2.4 अपर्चर देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ वीवो के T3 5G में भी 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसका अपर्चर F2.0 अपर्चर देखने को मिल जाता है। स्मार्टफोन का अगर ऑडियो जैक की बात करी जाए तो एक तरफ वीवो के T3 5G में आप लोगों को 3.5 mm जैक का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता, वही दूसरी तरफ मोटो G54 5G में 3.5 mm जैक का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बैटरी सेगमेंट की अगर बात करी जाए तो बैटरी के मामले में भी दोनों स्मार्टफोन के पास एडवांटेज देखने को मिल जाता है, क्योंकि एक तरफ मोटो G54 5G में 6000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है 30 वाट के टर्बो फास्ट चार्जिंग के साथ, USB टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ वीवो के T3 5G में 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है 44 वाट के फ्लैश चार्जिंग के साथ, USB टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर के लिए वीवो के T3 5G में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, वही दूसरी तरफ मोटो G54 5G में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। तो अब बात करी जाए कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है। जिस तरह इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस में डिफरेंस देखने को मिल जाता है, उसी तरह इन दोनों स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस और कैमरे में भी डिफरेंस देखने को मिल जाता है। अगर आप लोग भी 15,000 रुपीज से कम के प्राइस में एक अच्छा ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे, डिस्प्ले की क्वालिटी से कंप्रोमाइज कर सकते हो, तो आप लोगों को मोटो G54 5G की तरफ जाना चाहिए। पर अगर आप लोग का बजट ज्यादा है और 20,000 रुपीज से कम के प्राइस में एक परफेक्ट ऑलराउंडर गेमिंग स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे, सोनी के सेंसर वाला कैमरा स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे, ज्यादा फास्ट चार्जिंग वाला स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे, तो आप लोगों को वीवो के T3 5G की तरफ जाना चाहिए।